अभी अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आपकी ड्रीम कंपनी विप्रो में। विप्रो में इस बार जो वैकेंसीज आई है ना, पहले कभी भी नहीं आई है, और 5 से 6 अलग अलग जॉब प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज आई हुई है, जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब भी है। हर चीज को वन बाय वन कवर करेंगे, कौन कौन सी पोस्ट आई है, पोस्ट वाइज आपकी सिलेक्शन कैसे होनी है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा। ये जो मैंने आपको वैकेंसी बताई है 5 से 6 तरीके की अलग अलग वैकेंसीज है, यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसीजर सभी के लिए सेम है। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर करके अप्लाई करना है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए आप में से कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल दोनों ही। आप इंडिया में किसी विलेज से है, सिटी से है, डिस्ट्रिक्ट या टाउन से बिलोंग करते हैं, आप 101% यहाँ पे इलिजिबल और अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीजों को डिटेल में यहाँ पे कवर करते जाएंगे, लास्ट तक वीडियो देखना। सबसे पहले तो देखिए, आप चाहते हैं आपके नियर जो भी वैकेंसीज आती है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आपने क्या करना है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करें, ताकि मुझे पता चल पाए हमारे सब्सक्राइबर्स कौन कौन सी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपके लिए मैं वैकेंसीज लेके आ पाऊं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये चीज बताई है कि ये वैकेंसीज फर्स्ट टाइम है जो विप्रो की तरफ से आई है, वो भी 5 से 6 अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है, आप में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर पाए, आपके साथ उनकी भी ज्वाइनिंग हो जाए। इसी के साथ मैंने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बना दिया, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन एंड फॉलो करने का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके आप कर लीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई वैकेंसीज जो कि आपकी ड्रीम कंपनी यानी कि विप्रो की तरफ से आई है। 5 से 6 अलग अलग तरीके की वैकेंसीज है, एंट्री लेवल प्रोफाइल है। आपको मैं सारी चीजें ना यहाँ डिटेल में प्रॉपर कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगी, जैसे कि पोस्ट क्या क्या है, पोस्ट वाइज वर्क क्या रहेगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है आपको, सिलेक्शन आपको कैसे मिलने वाली है। ठीक है, बहुत इजीली सिलेक्शन आपकी मिल रही है, तो आपको हर चीज को डिटेल में यहाँ समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पे पहली बार आए हो, इसी तरीके से चाहते हो हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए, इस अपॉर्चुनिटी के अलावा ना काफी सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है, आपने सिर्फ एक काम करना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, वहां पे टाइप करना है meetacademy.in, जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, वहां पे लिखेंगे आपको पहले नंबर पे साइट मिलेगी, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को चेक करके आप अप्लाई यहां कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बात कर रहे हैं विप्रो की नई जॉब वैकेंसी के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज को प्रॉपर कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करके आपको समझाऊंगी। खास तौर पे आपका कौन से प्रोफाइल के लिए यहाँ क्या काम रहने वाला है, वो भी ध्यान से आप समझ लेना। ठीक है, सारी ट्रेनिंग विप्रो आपको यहाँ देगा। ठीक है, और आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, परमानेंट जॉब है आपकी, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फिलहाल बात करें यहां विप्रो की नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। सबसे पहले देखिए, हम साइट पे आए हैं, ये जो नोटिफिकेशन है आपका विप्रो की तरफ से है, जहाँ पे अप्लाई मोड ऑनलाइन है, कोई भी अदर मोड यहाँ अप्लाई करने का बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अप्लाई शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब भी है और भी काफ़ी सारी जॉब है, आपको बता दूंगी। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिए, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करा, ये परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। अच्छा, जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, अभी अभी दो नए नोटिफिकेशन आए हैं, एक आया है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एक नोटिफिकेशन आया प्राइवेट डिपार्टमेंट का, अमेजोन का, वो भी बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है। दोनों नोटिफिकेशन की वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पे एक एक करके मिल जाएंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा फेसबुक पेज पे फॉलो रखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, आप किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप चाहे अनरिजर्व कैटेगरी से है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से है, किसी भी कंडीशन में आपको कोई फी नहीं देनी है, यानी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इवन विप्रो आपको कभी भी नहीं बोलता है किसी भी जॉब को पे करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब है, उसके बाद है आपकी यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की है, एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है, इसमें डिटेल में आपको लेके चलूंगी आगे। एसोसिएट की वैकेंसीज है,
ट्रेनी की है, ठीक है, वॉइस प्रोसेस की आउटसोर्स की वैकेंसीज है। एक चीज ध्यान से समझना, ऐसे जो कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव है और वॉइस प्रोसेस की है, और ये आपकी ऑलमोस्ट सेम है आपका काम, समझा दूंगी आपको आगे। नॉन वॉइस प्रोसेस की है, एनालिस्ट नॉन आईटी के लिए भी है, आईटी के लिए भी है। अब यहाँ पे आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप ओवरऑल इन वैकेंसीज में अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, बहुत ईजिली आपकी सिलेक्शन हो रही है। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम एज पर नॉर्म्स आपकी रहेगी। अब यहाँ पे लेटेस्ट जो इसके अलावा वैकेंसी आई है आप अलग अलग डिपार्टमेंट की, वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए लास्ट में जाना है, ये आपको लिंक मिलेंगे, आपने यहाँ पहले लिंक पर क्लिक करा है। जितनी भी विप्रो की वैकेंसीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सारी आपको सिंगल क्लिक करके देखने को मिल जाएंगी। वहां पे एक एक प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि ये पहली प्रोफाइल पे मैंने क्लिक करा है, ये है आपकी एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है। 0 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, विप्रो की तरफ से अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब इसके लिए बेस्ट सैलरी आपको पे की जा रही है, सैलरी यहाँ पे आपको मेंशन नहीं कर रखा है। यहाँ पे बेसिकली आपका पर्पस क्या है, सिर्फ जॉब प्रोफाइल का काम क्या है वो भी ध्यान से समझिएगा। तो जो भी ये प्रोसेस होता है, ठीक है, विप्रो का, तो उसमें क्या है कि आपको बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, यानी जो भी इनके कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उनकी क्वेरी को तो रिजॉल्व करना ही है, बाकी इंटरनल डिपार्टमेंट को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना होगा। सारी ट्रेनिंग आपको विप्रो यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला है। यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा भी हुआ है, जो भी आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है हेल्प के लिए, चाहे वो क्लाइंट की तरफ से हो, ठीक है, तो वो आपके टेलीफोन के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आपको जो है वो रिजॉल्व करना होगा। और इसी के साथ साथ जो भी इनके डॉक्यूमेंट है, जो क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई का भी आपका यहाँ काम है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉब है, तो यहाँ पे जो भी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं उनको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए क्या उन्होंने वही प्रोवाइड करे हैं, कोई उसमें कमी तो नहीं है, ये आपको बस यहाँ देखना है, ठीक है। सारी ट्रेनिंग आपको यहाँ प्रोवाइड करी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है वो आप आगे मैं आपको किसी एक पोस्ट का बता दूंगी, सबका सेम है। सेकंड जो प्रोफाइल आप देख पा रहे हैं कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की है, जहाँ पे अप टू 32,000 आपके यहाँ सैलरी है, ठीक है। इसके लिए भी अलग अलग लोकेशन की वैकेंसीज आई है विप्रो की तरफ से। यहाँ पे देखिए पैकेज 2.25 से 4 लाख पर एनम आपका पैकेज है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में उन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की वैकेंसीज है, आपको ओवर द कॉल या फिर चैट, ठीक है, जो भी इनके कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरी आएगी उसको रिजॉल्व करना है ओवर द कॉल या फिर चैटिंग के थ्रू, ठीक है, ये आपका काम रहेगा। इसके अलावा गुड कंप्यूटर स्किल्स इस प्रोफाइल के लिए इन्होंने मांगे हैं। यहाँ पे 8 आवर्स का आपका वर्क रहेगा या इसमें आपकी 1 घंटे की ब्रेक भी होने वाली है। अब यहाँ पे ये 5 डेज वर्किंग जॉब है, 2 वीक ऑफ आपको यहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी इसमें आपकी जो इस सेकेंड प्रोफाइल की बात करें इसमें आपकी जो टाइमिंग है अलग अलग हो सकती है जॉब के लिए। अब थर्ड प्रोफाइल की बात करें, ये आपके प्रोसेसर की वैकेंसी है, ठीक है, विप्रो की। अब ये जो प्रोसेसर की वैकेंसी है बेसिकली जो भी एनालाइज करना होता है, यानी कि जो क्वालिटी का वर्क होता है ना उससे रिलेटेड है, ये फ्रेशर्स के लिए है। 0 से 5 साल का या 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर अप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए भी ऑलमोस्ट आपका काम सेम है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंटेशन का है, जो भी आपके पास क्लाइंट की तरफ से क्वेरीज आ रही है ओवर द कॉल या ओवर द ईमेल वो आपको रिजॉल्व करना है, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रोफाइल के बारे में बात करें वो है आपकी ट्रेनी विप्रो के लिए। इसके लिए आप में से फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई जो वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका काम जो रहेगा एज अ ट्रेनी, इसमें आपका जो है इन्होंने डिटेल्स में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड आपका काम यहाँ पे रहेगा, जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नीड होती है उससे रिलेटेड काम रहेगा। आपको टेंशन लेने की किसी भी प्रोफाइल के लिए बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि सारी ट्रेनिंग विप्रो आपको यहाँ प्रोवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सिंगल प्रोफाइल है जिसके लिए इन्होंने जो क्वालिफिकेशन है वो इन्होंने यहाँ पे बीई बीटेक एमसीए अप्लाई यहां कर सकते हैं। बाकी जो सारी प्रोफाइल आपको बता रही हूं कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट प्रोफाइल है यहां पे एसोसिएट एनालिस्ट की, ठीक है। इसमें भी आपका क्वालिटी से रिलेटेड काम रहेगा, यानी कि जो भी बिजनेस है, यहां पे हम विप्रो की बात कर रहे हैं, उस बिजनेस की किस तरीके से ग्रो हो सकती है, ताकि क्वालिटी पे पहले फोकस होगा तभी ग्रो होगी, ठीक है। तो आपका यहां पे जो फोकस रहेगा वो क्वालिटी पे यहां पे रहेगा, क्वालिटी को आपको एनालाइज यहां करना होगा। बाकी सारा कुछ यहां इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, आपको प्रोसेस को सपोर्ट करना है, मैनेज करना है, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली रिक्वायर्ड है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आप यहां देख सकते हैं, फॉलोअप वगैरह का आपका यहां काम रहेगा, ये भी सारा आपको ट्रेनिंग में जो है वो बताया जाने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट जो है उसको एनालाइज करना होगा आपको, ठीक है।
ये सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। बात आती है इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा, तो यहाँ पे देखिए आप किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ना इधर ऑप्शन मिलती है। देखिए इधर आपको ऑप्शन मिलेगी रजिस्टर टू अप्लाई और लॉगिन टू अप्लाई की। आप लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करके सीधा अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको पहले अपने आप को क्या करना है, रजिस्टर। तो आपको यहाँ क्लिक करना है रजिस्टर टू अप्लाई पे। हमने क्लिक करा, ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा। आपको अपना फुल नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, पासवर्ड रखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद इधर आपको ये वाली ऑप्शन हाईलाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगी ब्लू वाइट में, इसको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अब जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपनी ईमेल आईडी लिखी है, जो आपने पासवर्ड रखा है वो याद रखना। अब बैक ऑप्शन पे जाएंगे, जब अब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करके, और जो ईमेल आईडी वहाँ आपने लिखी है, पासवर्ड जो रखा है वो लिख के यहाँ पे आप लॉगिन होना, ठीक है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद अपना नेम लिखे, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, कब कहाँ किस तरीके से पासवर्ड किया, लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, आपका सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, आप यहाँ पे कम से कम दो पोस्ट के लिए अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। बात आती है अब सिलेक्शन कैसे होनी है, अप्लाई के लिंक आपको कहाँ पे मिलेंगे। मैंने आपको बताया, देखिए तो अभी नए डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आई है, जिसमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आई है, एक अभी भी नोटिफिकेशन अमेजोन का है। ये दोनों वीडियोस एक एक करके हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया को। अपने दोस्तों को भी जरूर कहा कीजिए कि टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब में लिखें, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर करें। अब आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर दिया, बात आती है सिलेक्शन कैसे होनी है। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट की इंटरव्यू होगी, वर्चुअल ही डेफिनेटली हो सकती है पहला राउंड, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग है, चाहे रिज्यूमे हो चाहे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए, आपने कॉमेंट जरूर करना है, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा हमारे सब्सक्राइबर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखे हैं, जाके अप्लाई करें। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।